गुरुदेव ने कहा, महाराज अगर मैं वहां आता तो आपके दर्शन पा करके सिर्फ मुझे आनंद मिलता, अगर मैं वहां आता तो आपका दर्शन पा करके सिर्फ मुझे मुक्ति मिलती, और अगर आप वरुण लोक में आ गए तो सब लोग कृतार्थ हो गए, सब पे आप पे दृष्टि की कृपा बरस गई महाराज। ये तो मेरा वात्सल्य और भक्ति का भाव था। दूसरी सृष्टि में जितनी लीला प्रभु आपने ली मर्यादा और योग के लिए है, तो कालिंदी कौन है प्रभु? आपकी पटरानी। और नंद बाबा कौन है? बोले आपके पिता। तो नंद की बहू मानी गई कालिंदी, मध्यांतर में उस एक क्षेत्र में भी नहीं जाना चाहिए जहाँ बेटी और बहू सहज रहते हो, अपने बहू के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए। भारत की संस्कृति की अब तो खैर जमाना बदल गया है, मुख पे घूंघट रख करके ही बहू ससुर से बात करती थी, अब तो जमाना अलग हो गया है, घूंघट तो खत्म ही हो गया है। आप याद करिए, थोड़ा सा मेडिकली बता दूं कि पूर्व समय की अगर हमारी कोई माताएं 80 साल की भी हैं जिन्होंने पूरे समय तक घूंघट की मर्यादा को निभाया है, तो आज भी उनके चेहरे पे झुर्रियां नहीं है। जिन्होंने माथे पे सिंदूर का तिलक लगाया है, माग में सिंदूर भरा है, आज भी उनको कोई शारीरिक पीड़ा ऐसी नहीं है स्क्रीन के बारे में। लेकिन हमारी 17 साल की बहन के भी चेहरे की झुर्रियां चली जाती है। मेडिकली भी वो बहुत अच्छे हैं। हमारे सनातन ने एक ही खाली आपके मर्यादा के ही ये नहीं कहा है, अगर आप घूंघट रखते हो तो क्लाइमेट से, डस्ट एलर्जी से, सनलाइट इफेक्शन से, बहुत सी चीज़ों से बचते हो, तब आपने सनातन की रीति को माना नहीं, तब आपने स्वीकार नहीं किया, अब मुँह पे कपड़ा बांध के स्कूटर चलाते हो। मस्तक में जो सिंदूर डाला जाता है ना, सिंदूर में मरकरी होता है, पारा होता है, और ये ब्रह्मरंध्र तलवा भी कुछ लोग कहते हैं, इससे जब उसका स्पर्श होता है तो स्त्री के यानी कन्या के फेस ग्लोज बढ़ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, स्फूर्ति आ जाती है और मानसिक थकान नहीं होती। लेकिन अब तो लगाना ही नहीं है, बड़ा अफसोस होता। वैसे तो मैं पेशे से डॉक्टर ही हूँ, 18-18 साल के बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है जो 70 साल की औरतों में भी नहीं होता था। किसी को कैल्शियम नहीं है, किसी को विटामिन की प्रॉब्लम है, किसी का कुछ है। तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप लोग कथा के साथ साथ थोड़ा प्रकृति से जुड़कर जीना भी सीखिए, आहार विहार शैल और विचार पे भी नियंत्रण करिए, क्योंकि साधना का साधन तो ये शरीर है, और अगर शरीर ही नहीं है तो साधना किससे करें। ब्रज में आनंद बरसा है, भगवान ने अनेक लीलाएं रचाई हैं। आज कन्हैया जी से सखियों ने पूछा कि ब्रज की लताएं, ब्रज के वृक्ष क्या हैं? कन्हैया जी ने कहा ये औषधि है। ब्रज के रज में इतनी महान शक्ति है कि एक बार माथे पे लग जाए तो आदमी भोपाली हो जाए। देखा ही है कि ज्ञान वैराग्य अचित हो गए, भक्ति युवा हो गई, क्योंकि ब्रज रज में तो भक्ति मैया साक्षात वास करती हैं। नास्तिक हो आस्तिक, पैर रखते ही बोलेगा जय श्री राधे। लेकिन कब? जब मन की एकाग्रता होगी। ब्रज की लताओं में आज भी सबसे ज्यादा बबूल पाए जाते हैं, ब्रज के एरिया में बबूल। बबूल को आयुर्वेद में सारस्वत कहा गया है, और अगर बबूल का वो जो लस निकलता है बुल, उसको देसी घी और अजवाइन डाल करके फ्राई करके, गरम करके, तल करके 5 तोले का सेवन डेली कोई भी माँ बहन गाय के दूध के साथ करे तो उसके जीवन में कभी सफ़ेद पानी लिपोरिया का प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। वट के वृक्ष को भी बताया गया है। वट के वृक्ष में आप जाइए
एक घाव मार दीजिए, बतासा होता है ना, नीचे बतासा रखिए, उसमें 2 से 4 बिंदु उसका दूध आ जाए, उसको अगर 4 दिन भी कोई माँ बहन ले ले तो श्वेत प्रदर से मुक्ति मिली। ब्रज की रज में पान की खेती बताई गई, तो पान के बारे में अगर आप सुनेंगे कितना भी भयानक स्क्रीन का डिसेज हो, पान के अर्क से लाभ मिलता है। ब्रज की लताओं में सिर्फ श्याम नहीं है, ब्रज की हर एक वनस्पति औषधि है, क्योंकि गौ धन विद अब भगवान वक्षपाल नहीं रह गए, अब भगवान गोपाल नहीं रह गए, अब तो भगवान गौ धन विद अस्त गोविंद हो गए, जो उसके मर्मज्ञ हो गए हैं। गैया रजस्वला है तो उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि वहां वैद्य तो नहीं थे। गिलोय का पेड़ है तो उससे सेवन कैसे करना है। पुरेन के पत्ते हैं तो उससे सेवन कैसे करना है। इस तरीके की चीजों को बताया कि ब्रज में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, और यहां तक बता दिया कि ब्रज के अंदर कंकर पत्थर से लेकर के हर चीज में मेरे बिहारी का वास है। भाव करके देख लीजिए, कितना भी पोल्यूशन बढ़ गया है, कितना भी डायबिटिक हो, स्प्लिन हो, एपिलेप्सी हो, थैलेसीमिया हो, खाली नेचुरल एक देसी गाय पालो, उसी का दूध, उसी का घी, उसी का मक्खन सेवन करो, और शुद्ध सात्विक आहार करो, आधे रोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे। कन्हैया जी अब गोविंद है, गोपाल है। ब्रज में कन्हैया ने रास रचाया, तो रास का मतलब है जो सबको रास आ जाए। जैसे किसी बात को लेकर आप आनंदित होते हैं तो वो आनंद है, और उसको लेकर जब 4, 6, 10 और आनंद लेते हैं तो वो परम आनंद है, और जिसे देकर वैकुंठ लोक तक सब हर्षित आनंदित हो जाए वो ब्रह्म आनंद है। इसलिए कार्य ऐसे करें जिसमें सबको आनंद आए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, क्योंकि जब आप गैरों के बारे में सोचोगे तभी परमात्मा आपके बारे में सोचेगा, अन्यथा सोच भी नहीं सकते। कन्हैया जी ब्रज में आकर के, कुछ लोग कहते हैं कि कन्हैया जी ने आकर के क्या स्थापित किया, कोई कहते हैं इतनी 16,000-18,000 पटरानियां थी, कोई कहता है कुछ, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो भगवान कृष्ण ने योग कराया है, कर्म योग को दर्शाया है, कहा है कर्मणि बाधिका रस्तो मा फले सुखदांचन, दर्शाया है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवीसन्ति मुखे मृगा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, कार्याणि न मनोरथै, मनोरथ यानी इच्छा, सिर्फ इच्छा रखने से नहीं कार्य सिद्ध होता है। उपमा दिया है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जिस तरीके से सोए हुए सिंह के मुख में प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए हिरण के मुख में चल करके कभी, सोए हुए शेर के मुख में चल के कभी हिरण नहीं जाता। कर्म करना पड़ेगा, और अगर आप कर्म नहीं करो, इसीलिए योग भी है भगवान, योगी भी है और योगीश्वर भी है। जैसे भगवान राम पुरुष हैं, पौरुष हैं और पुरुष हैं, लेकिन भाव कैसे होना चाहिए। जन्म से बुला कोई जन्म से
वस्तु मिल जाती है ना तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं है।
अभी तक ब्रज में नंदलाल ने सबके साथ लीला की। जब तक ब्रज में नंदलाल रहे, किसी ने चित चोर कहा, किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने लटखत कहा, किसी ने छलिया कहा। लेकिन जब ब्रज को छोड़ करके मथुरा की ओर चले गए, विरह वेदना। आज कंस ने अक्रूर जी को ब्रज की ओर भेजा है। जब आप कहीं जाते हो ना, किसी भी कार्य करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान आता है, धारणा होती है, उसके बाद एक विचारों का अंकुर पैदा होता है, काल्पनिक दृष्टि से आप उसके बारे में सोचने लगते हो। ब्रज में अक्रूर जी आए या उद्धव जी आए, दोनों ने बस एक ही चीज पाया। उद्धव को तो ब्रज की बालाओं ने बहुत कुछ सताया था। उद्धव जब आ रहे थे ना, तो ये कहा गया था कि ब्रज में जाकर के कभी तत्व ज्ञान की बात मत करो, लेकिन नहीं माने। ब्रज में आकर कहने लगे, ऐसा करो तो सवरिया मिल जाएगा, ऐसा करो तो गिरधारी रिझ जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा। काफी समय सुना, उन्होंने काली जी से पूछा भी जाके कि क्या तुम्हें श्याम की याद नहीं आती। बोले, याद किसको करे, जिसे भूलते ही नहीं उसके याद आने की क्या बात है। जब मैं हमेशा यही एहसास करती हूँ कि मेरे बिहारी सवरिया मेरे हृदय में वास कर रहे हैं, तो एहसास के बाद में याद और उदास होने की कोई जरूरत नहीं। अंत में एक गोपी ने पकड़ा, कहा, ओ उद्धव इधर आ जा। तब तो ज्ञानी ब्रज की लताओं पे भटकता हुआ भौरा कौन है, ये मेरा कन्हैया है। ब्रज की लताओं में ब्रज के वृक्षों पे लटकी हुई बेल कौन है, ये मेरा कन्हैया है। ब्रज के अंदर से एक सखी ने कंकर उठाए, ये कंकर देख रहे हो उद्धव, बोले ये कौन है, बोले इसमें मेरा कन्हैया। जहां भी देखता हूँ वहां मेरा कन्हैया है, जहां देखता हूं वहां तो ही तो है, न तेरी सी रंगत न तेरी सी। बहुत भाव करके चलते हो ना, मंदिर में आकर के बिहारी के आगे खड़े होकर के, अगर आपको याद है कि मुझे कुछ मांगना भी था तो भक्ति नहीं है। यहां आकर के आप जब सब भूल जाओ, अक्रूर जी का आगमन होता है, मन ही मन में कल्पना कर रहे हैं, अरे भाव देखिए, मैं तो दुश्मन के घर से आज कन्हैया को लेने जा रहा हूं मथुरा के लिए, पता नहीं वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। आप अपनी मर्जी से कुछ बातें सोचते हो, अपनी मर्जी से निर्णय लेते हो, अरे भैया वहां तक पहुंच कर देख तो लो। कहते मैं तो दुश्मन के पक्ष से जा रहा हूं, कंस ने उनके साथ इतना बुरा किया है, पता नहीं मेरे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। किम करिष्यति मधुसूदनः ब्रजे गमने तथा, मैं जाऊंगा तो पता नहीं कैसे व्यवहार करेंगे। कई बार मन में कल्पना आती है, अगर आपसे कोई गलती हो या गलत आदमी के साथ खड़े हो, तो शरीर के स्वरूप स्थूल सूक्ष्म सुप्त जागृत और तत्व, इतने स्वरूप इस शरीर के बताए गए। सोचते हैं रे, बहुत ज्यादा कंसुआ, कंस ने वहां तकलीफ दी है, पूतना से कन्हैया को मारने की चेष्टा की, धेनुकासुर अगासुर बकासुर सबको मारने की चेष्टा की है। मैं जाऊं तो मेरे साथ पता नहीं कैसा शत्रु व्यवहार करेंगे या मित्र व्यवहार। नेत्रों में करुणता है, हृदय में परमात्मा को पाने का भाव है, पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे, जा रहे हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो सब कुछ उल्टा मिलता है। जब गोकुल में पहुंचते हैं तो वहां सब कुछ उल्टा मिलता है। कहां वो सोचते थे कि हम पे नंद क्रोध करेंगे, बलराम जी क्रोध करेंगे,
यशोदा क्रोध करेंगे, कन्हैया क्रोध करेंगे, लेकिन वहां तो सब उल्टा हो गया। जैसे उनका आगमन होता है, किसी ने पद पखारे तो किसी ने सीने से लगाया, किसी ने पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया। कहने का मतलब है कि पैर की मोच और छोटी सोच हमेशा तकलीफ देती है। सोच हमारे ब्रेन के 150 बीटा सेल्स और 6 सीक्वेंस, इन्हें जिधर कन्वर्ट करो उधर कन्वर्ट हो जाएंगे। इन्हें पॉजिटिव ले जाओ तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, इन्हें नेगेटिव करो तो नेगेटिव करेंगे। मैं वहां जा रहा हूं पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। उनके मन में निर्णय था, उनके मन में भय था, लेकिन अगर वो ये सोच लेते, अगर वो ये सोच लेते कि वहां पर मेरे साथ शत्रुमत व्यवहार होगा, मैं यहीं से लौट जाऊं, तो क्या ये जीवात्मा परमात्मा का दर्शन कर पाती? कंस ने ब्रजवासियों पर बहुत अत्याचार किया है। पूतना ने तो शपथ खाई थी कि वहां मैं गोकुल में एक बालक ही नहीं रहने दूंगी, एक गोकुली नहीं पूरे ब्रजमंडल में नहीं रहने दूंगी। धेनुकासुर ने किया, अघासुर ने किया, बकासुर ने किया, दावानल बरसाए, अनेक प्रकार से उन्हें मारने की चेष्टा की, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं नंदलाल के पास जा रहा हूं, उससे शत्रुवत करेंगे। भाई मेरे, जैसी आपकी दृष्टि है ना, वैसे आपको सृष्टि नजर आनी है। अगर आपको सृष्टि अच्छी चाहिए तो अपनी दृष्टि को बदल लो, या भागवत कथा में दृष्टि उपाख्यान को पढ़ लो। पहुंचते हैं, कन्हैया भाग पड़े हैं, बलराम भाग पड़े हैं, नंद भाग पड़े हैं। आ जी विराजो विराजो, आओ बैठो पियो पानी, तीन वस्तु मोल न लाने। जिसके अंदर ये भी नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, अगर हमें इस दुनिया से सम्मान चाहिए तो यह सम्मान शब्द कुछ कहता है, धन देना। सम धन मान, सम यानी बराबर, मान। अगर हमने किसी को मान दिया है तभी हमें सम्मान मिलेगा, नहीं तो कदापि नहीं मिल सकता। अगर हमें सम्मान चाहिए तो मान देना सीखना सनातन की रीति है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, यहाँ विश्व रूपी परमात्मा को प्राणी मात्र में देखा जाता है। स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, सब लोग हृदय से मेरे बोलो कैसे आना है, कैसे जाना है। कहते हैं जी मथुरा लेने के लिए आया हूं, बलराम और कृष्ण को लेकर जा। ये सूचना आग की तरह फैल जाती है। ब्रज की बालाओं को ज्ञान हो गया, आज तो कन्हैया यहां से जा रहे हैं, और आज बालाएं कन्हैया पे इल्जाम लगाने लगे हैं महाराज। अरे वो बेदर्दी चला जा, तेरे से वफा की उम्मीद क्या करो। अरे वो बेदर्दी चला जा, तेरे से वफा की उम्मीद क्या करो। अरे तू तो जालिम है, तू तो चोर है, चित चोर है, माखन चोर है रे। हम तो तेरे लिए दीवाने हो गए, पागलपन में आ गए, लेकिन तू तो जाने वाला है रे छोड़ के। और इतने नहीं, किम विश्वासम संपादयते, किम विश्वास संपादयते कृष्णः नित्यः रमन्ति नव प्रिया। कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया मेरे बिहारी पे। किम विश्वास संपादयते, कैसे हम तुझ पे भरोसा करें। नित्यः रमन्ति नव प्रिया, अरे लाला तेरी तो आदत हो गई है हर रोज नई गोपियों के साथ खेलने की। किम विश्वास संपादयते, कैसे भरोसा करें तुझ पर, तेरी तो आदत बिगड़ गई है, तेरी तो रोज नई गोपियों के साथ क्रीड़ा करने की आदत बन गई है। आज हमें तू ढोंग दिखा रहा है, प्यार का नाटक कर रहा है, रात भर रथ में सफर करेगा, सुबह फिर तेरी वही हालत हो जाएगी।
कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे जीवात्मा परमात्मा को अग्रसर करने की बात है, रास का मतलब है जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में समर्पित हो करके मैं को मैं में व्याप्त कर दे। मैं यानी जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद ना रह जाए, उसको कहते हैं रास। कृष्ण कहते हैं अरे नहीं झूठा इल्जाम मत लगाओ इस पे, अरे ब्रज की बालाओ मैंने तो अवतार ही तुम्हारे लिए लिया है फिर भी तुम्हें मेरे मोहब्बत की कदर नहीं। फिर भी घबराओ मत, इन ब्रज की लताओं में जहां भी देखो मेरा हमेशा एहसास रहेगा